inviting Ms. Maitri Rajalakshmi Patra Didi and Ms. Prerna Rao Didi of Abhidhyams Match of 2020. बल्कि आप सबके सामने पेश करते हैं वो वक्त जिसे देख के आपकी रूह कांप उठेगी और तहलका मच जाएगा दिलों में। होरा जिसने बदल दी भारत की तकदीर और तस्वीर। कुछ ही दिन पहले स्वतंत्रता के लिए हिंदू और मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों से लाठियां खा रहे थे। वही लोग बंटवारे के समय एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। इस बंटवारे में देशों का जन्म तो हुआ लेकिन इंसानियत की हुई बेमौत। इतिहास के दहलीज पर खड़ा यह बंटवारा सब कुछ बांटता ही चला गया। कहीं जमीन का बंटवारा हुआ तो कहीं इंसान का, लेकिन इस बंटवारे में जिसे सबसे गहरा जख्म दिया उसे आज हम इस एकांकिका के द्वारा आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है रक्त रेखा। लेकिन जब उन लोगों को पता चलेगा कि ये लोग
आपके यहाँ छुपे बैठे तो अपनी जान तो खामखा मुसीबत में पड़ जाएगी। शायदा मुझे अपनी फिक्र नहीं है, फिक्र तो बस इन दोनों की। अरे इन्हें कुछ हो गया तो शायदा बस एक हाथ हमें यहाँ छुपने दे। मेरा नमक खाया राजबाबू, हराम नहीं करेंगे, रंग तो लेंगे तुम्हें यहाँ। अगर मन तुम करता है तुम्हें धक्के मार मार के यहाँ से निकाल दूँ। शायदा मन तो करता है चिल्ला चिल्ला कर उन्हें यहाँ बुला दूँ। दिखाओ कैसे छुपे रहते हैं यहाँ पे। शायदा दीदी हमारे साथ क्या दुश्मनी है, जब तुम और चाचा हमारे घर काम करते थे हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। जो खुद खाया तुम्हें खिलाया, जो खुद पहना तुम्हें पहनाया। अरे उसी लिहाज से तो तुम्हें यहाँ पे रखने पे मजबूर हुई हूँ। वरना जो हाल हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी और सिखों ने मेरी बेटी नूरा के साथ किया, उसे याद करके मेरी रूह कांप जाती है। बस राजबाबू और कुछ मत कहना, नहीं तो तबाह हो जाएगा सब कुछ। पागल हो गई, thank you.
फिर बहन नूरा को याद कर लिया हमें, तो फिकर मत कर अमीन, तू बस देखती जा किस तरह बदला लेता हूं मैं उन काफिरों से। तेरा ये सेना सब कुछ तबाह कर देगा, सब कुछ। और उस काफिर का क्या सेना जो घर में आके छुपा बैठा है? अगर उसे मैं निकालती हूं तो तेरा बाप नमक की दुहाई देता है, और अगर रखती हूं तो मेरी बेटी की आत्मा मेरे कलेजे को चीर जाती है। क्या क्या काफिर? वो भी मेरी बहन थी जिसे तेरे हिंदुस्तानी भाइयों ने किसी लायक नहीं छोड़ा। तू एक बार दरवाजा तो खोल, उसके बाद मैं तुझे बोलता हूँ कौन किसका क्या लगता है। मैं तुझे बताता हूँ काफिर कौन है। ये काफिर वही जिसका नमक खाकर आज तो इतना बड़ा हो, जिसका नमक तेरे लोगों में खून बनकर दौड़े और मुसलमान होकर नमक हरामी करने पर तुला है। क्यों रे सेना क्यों? अच्छा तो फिर वो राज बाबू है, साथ में उनकी बेगम और इनकी बहन। ये तुमने अच्छा नहीं किया शायद। अगर तू ना होता तो एहसान जताने का समय नहीं है राजकुमार। वो उल्टी दिमाग वाला, कब उसका दिमाग खराब हो जाए और कब वो घर लौट आए। अली तू समझाना अपने बेटे को, वो हमारा सब कुछ रख ले, हमारे गहने हमारे कपड़े, बस एक रात हमें यहाँ छुपने दे। अरे गहनों से भरा ट्रंक लेकर आया है वो, मुझे फिक्र आपके गहनों और कपड़ों की नहीं, मुझे फिक्र तो आपके जवान बीवी और बहन की है। अगर उन शराबियों का नजर इन पर पड़ गया तो? दूसरों की बीवी और बहन की बड़ी फिक्र है तुझे, क्यों अपनी बेटी का ख्याल नहीं आता? उसे जलील कर मारा था उन काफिरों ने। अरे तो इन दोनों को जलील करके तुझे तेरी बेटी वापस मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी तुझे तेरी बेटी? मेरे कलेजे को तो धड़क पड़ेगी। सोते जागते उठते बैठते हाय हाय मुझे मेरी नूरा याद आती है। शायला ये भी तो तेरी बेटी नूरा जैसी है ना। शायला समझाना अपने बेटे को, अरे बेटियां तो सबकी एक बराबरी है ना। हाँ जीती जाती बेटियां, मेरी बेटी तो चुकी है ना। शायदा मुझे तेरी बेटी की मौत का दुख है, पर तेरा ये दुख मेरे कलेजे की आग को ठंडा करने के काबिल नहीं है। शायदा रहम कर, शायदा हमारे ऊपर तुमने तो रहम कर। रहम रहम तो मुझे अपने आप पे आता है, जिससे मैं अपने कलेजे की आग से मुझे झुलसाना चाहती थी, आज वो आके मेरे घर में पना लिए बैठा है। अम्मी ओ अम्मी बाहर आ। गौरी चिंता मुझे अपनी नहीं, चिंता तो बस तुम दोनों की है। आप हमारी चिंता ना करो वीर जी, इससे पहले कि और मुसीबतें आए हम मर जाएंगे। अरे ऐसे कैसे मर जाए, मरना ही था तो अपना घर क्या कम था, इतनी मेहनत से अपना घर बनाया था और आज सब कुछ ऐसे मिट्टी में मिल जाएगा। कभी सोचा नहीं था रे गुड़िये, कभी सोचा नहीं था। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक
सीधा बोल रहा था चुपो बाबू आप हाथ हो गए क्या शेनहार बगदार के साथ आपको पता नहीं हम के साथ क्या करें बस तो पागल मत बने जाकर छिप जाइए वहां चला चला वो नहीं तू
अगर तुझे अपनी ननद की इतनी ही फिक्र है तो तू निकाह कर ले के साथ। बीवी है वो मेरी, बहन जा पागल औरत। तेरी बातें से तो लगता है थोड़ी देर में ये तेरी बीवी नहीं विधवा बन जाएगी। शायना, सारी उम्र जिसका नमक खाया है उसकी थोड़ी तो लाज रख। मैं मेरी बेटी का इंसाफ मांग रही हूँ। अरे तो हमसे तो मत मांगना। तुम्हारे ही पल थे वो काफिर गुंडे। अरे वो गुंडे तो आदमी थे शायद अबासी, समझने की कोशिश कर। आप
जाए, हम दोनों को ही चुन लीजिए। ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे ना। अरे ऐसे कैसे मर जाए, कैसे मर जाए। माँ बाप के मर जाने के बाद कितने लाड प्यार से पाला था इसे। भाई भाई जोड़कर अपना घर बनाया था, पर आज जिंदगी में एक ऐसी दिवाली आई जो रात की होली खेल कर चली गई। कभी सोचा नहीं था रे गौरी, कभी सोचा नहीं था। गौरी गौरी मैं करूं भी तो करूं क्या, इसे साथ ले जाऊं तो तू पीछे छूट जाएगी और तुझे तो ये मासूम पीछे रह जाएगी। गौरी मैं क्या करूं। Yeah.